तरण आदर्श, इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करो या बॉलीवुड में जो भी मूवीज आती है उसकी बात करो, तो वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे मूवी एनालिस्ट और मूवी क्रिटिक्स है, बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए, मूवी अपडेट्स के लिए। तो ऐसे में तरण आदर्श ने रिसेंटली कहा है कि जब जीरो मूवी रिलीज हुई थी और जीरो मूवी के उन्होंने जो निगेटिव रिव्यूज दिए थे ना, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया था। और तो बता दूँ, जीरो मूवी में आपको शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा देखने मिलेगी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा पीटी थी, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब तरण आदर्श सेट की जब उन्होंने उस मूवी का रिव्यू दिया और वो निगेटिव रिव्यू था ना, तो लोगों ने उनको बहुत ट्रॉल किया। उन्होंने कहा कि इट्स ओके, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपको निगेटिव रिव्यूज आके लोग आपको ट्रोल करेंगे, बट ट्रोलिंग बिलो द बेल्ट इज़ नॉट गुड। आपको क्या लगता है कि ट्रोलिंग अच्छी बात है या ट्रोल करना चाहिए था तरण आदर्श को? एक्चुअली मैं अभी भी देखता हूँ तरण आदर्श बहुत सारे मूवीज़ के रिव्यू देते हैं, और जब भी कोई बड़ी मूवी हो उसके बहुत ज़्यादा फैंस हो और उसको अगर थोड़ा भी अगर निगेटिव रिव्यू दे देता है ना, तो ऑल फैंस आर लाइक गोइंग क्रेजी ऑन हिम, पैसे मिले होंगे, ये हुआ होगा, पैसे नहीं मिले होंगे, तो आई डोंट लाइक ऑल दैट। बट हाँ, तरण आदर्श को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक फ्रॉम 7 to 8 ईयर्स बिफोर, या 10 साल हो रहे होंगे अभी भी, बट शी इज़ डूइंग हिज वर्क। अभी भी मैंने कहीं देखा नहीं यार किसी को पलट के जवाब दिया होगा, इट जस्ट पोस्टिंग हिज रिव्यूज, पोस्टिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आई रियली लाइक दैट, लाइक द वे इज डीलिंग विद ऑल दिस निगेटिव थिंग्स। एंड या व्हाट ही सेज कि ट्रोलिंग बिलो द बेल्ट इज़ नॉट गुड, आई सो थिंक वो सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स।